स्वागत है आपका एल्मो और जोई के मैथ एडवेंचर्स में। आज हम सीखेंगे क्या होता है इन बिटवीन। अच्छी फिंगर पेंटिंग है एल्मो, पर हमें जल्दी से फिनिश करना होगा। लगता है बारिश होने वाली है। अरे नहीं, एल्मो और जोई को जल्दी रंग करना होगा। मुझे अभी से ही अपने फेस में हवा महसूस हो रही है। गरम और गीली सी। तुम तो बहुत गुदगुदाती हवा का एहसास देती हो मासूसा। हमारे साथ फिंगर पेंट करना चाहोगी? ठीक है, तुम एल्मो और जोई के बीच में रंग कर सकती हो। नहीं मासूसा, उस तरफ नहीं, हमारे बीच में। ये हमारे बीच की जगह नहीं है मासूसा, फिर कोशिश करो। नहीं, वहाँ नहीं। वो बीच में नहीं है। हमारे बीच में मासूसा। एल्मो को लगता है कि हमें अपनी दोस्त मासूसा को सिखाना होगा कि बीच में का मतलब क्या होता है। फिक्र मत करो मासूसा, हम बीच में से जुड़ा एक गाना जानते हैं। जब हम बीच में होते हैं दो चीजों के, बीच में है, हाँ बीच में है। जब हम बीच में होते हैं दो चीजों के, तो हम है बीच में। क्या किसी ने कहा इन बिटवीन? जैसा होता है मैं ग्रोवर थोड़ा बहुत जानता हूँ क्या होता है बीच में। एल्मो को लगता है ग्रोवर को पता है। तो अब यहाँ देखो, तुम देख सकते हो यहाँ दो टोकरियाँ हैं। मैं एक सेब इन दोनों टोकरियों के बीच में रख रहा हूँ इस तरह। तो इसका मतलब है कि सेब दोनों टोकरियों के बीच में रखा हुआ है। ग्रोवर, मेरा सेब कहाँ हो गया? वो यही दोनों टोकरियों के बीच में रखा था। खैर कोई बात नहीं, मेरे पास एक और सेब है जिसे मैं दोनों टोकरियों के बीच में रखूंगा। अब ये सेब है। ग्रोवर देखो, यहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है, पर मुझे पता नहीं है क्या। ओके, मेरे पास एक और सेब है जिसे मैं रखूंगा इन दोनों टोकरियों के बीच में। वो रखा और अब इसे कुछ नहीं होना चाहिए। अब एक सेब जो दो टोकरियों के बीच में होता है उसे हम कहते हैं स्वादिष्ट। क्या क्या हुआ मेरे सेब को? वो दो टोकरियों के बीच में रखा था। अब कुकी मॉन्स्टर दोनों बास्केट के बीच में है। बिल्कुल सही। कुकी मॉन्स्टर, मैंने अगर एक और सेब बीच में रखा तो क्या तुम उसे खाओगे? तो ठीक है, तुम सब दूसरे दरवाजे पर आओ। बीच में को समझने का एक और तरीका है। एक खेल है जिसे मैं कहता हूँ मॉन्स्टर इन बिटवीन। लेकिन खेलने के लिए आपको शैतान नहीं बनना पड़ेगा। पहले मैं ग्रोवर खड़ा हुआ हूँ बीच में एलिफेंट और जैड के। मुझे ये गेम आता है। ग्रोवर है मॉन्स्टर इन बिटवीन और वो उसे बाल को पकड़ने से रोकेंगे। ये मुश्किल है। आखिरकार मैंने ग्रोवर ने बॉल पकड़ ली। इसका मतलब है अब जैड की बारी है बीच का शैतान बनने की। अब जैड ग्रोवर और एलिफेंट के बीच में है। अब वक्त है एलिफेंट का मॉन्स्टर इन बिटवीन बनने की। देखा मासूसा, अब एलिफेंट है जैड और ग्रोवर के बीच में। मैं बॉल कैसे फेंक पाऊंगा? ये एलिफेंट तो हर जगह है। मैं ठीक हूँ, बस मुझे अगले दरवाजे पर मिलो। हमने जाना क्या होता है बीच में, बीच में, हाँ बीच में। हमने सीखा क्या होता है बीच में। क्विज टाइम। मुझे बताओ तुम्हें क्या मिलता है जब तुम टमाटर को दो ब्रेड के बीच में रखते हो? एक सैंडविच। बिल्कुल सही कहा। और तुम्हें क्या मिलता है जब तुम रखते हो बच्चे को उसके मम्मी डैडी के बीच में? बहुत सारा प्यार। सही जवाब। और तुम्हें क्या मिलता है जब तुम ग्रोवर को रखते हो दो एलिफेंट्स के बीच में? A funny face. मासूसा, क्या तुम्हें बीच में का मतलब समझ में आया? एल्मो को लगता है तुम समझ गए। Good. अब वापस चलते हैं और अपनी फिंगर पेंट ट्रिक फिर ट्राई करते हैं। तो हमने कुछ सीखा नया मैथ के बारे में। अब हम खेलेंगे एक नए तरीके से। हमने सीखा बीच में, बीच में।